है आपके लिए ये उत्सव? हर साल हम देखते हैं आप इसको मनाते हैं, आप तो आते हो हर साल, तो आपको मालूम होगा क्या महत्व है हमारे लिए, पूरे फैमिली के लिए। 40 इयर्स हो गए, 40 इयर्स के ऊपर हो गए कि हम 40 इयर्स के ऊपर हो गए हम हमने गणपति पूजा स्टार्ट की हमारे पुराने घर में। डैड ने स्टार्ट की तो मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम पे, तो बड़ा होते होते मुझे भी इस पूजा का महत्व मालूम पड़ा धीरे धीरे एज आई ग्रो अप, और अब मैं करता हूँ पूजा। डैड बस आरती के लिए आते हैं, तो ये हमारे फैमिली का ट्रेडिशन है, और जब तक मतलब हम इस घर में रहेंगे, जब तक हम जिंदा हैं, हम गणपति पूजा हर साल करते रहेंगे। वो हमारे मेहमान हैं, एंड ना सिर्फ हमारे, पूरे देश के इस टाइम पर। इस बार स्थापना आपने बाहर की है, ज़्यादातर ऊपर आप लोग रखते थे इसको और वहाँ पे आरती वगैरह होती थी? जी हाँ, ऊपर रखते थे, लेकिन अब ऊपर वो लक्ष्य का रूम हो गया है, अब तो जानते हैं आप, लास्ट ईयर भी आए थे, तो अब हम नीचे ले आए गणपति जी को, और ईजी भी पड़ जाता है सबके लिए, अंदर आना और बाहर जाना सबके लिए ईजी पड़ जाता था, तो ये अच्छा ही हुआ कि हमने गणपति जी को नीचे रखा। लक्ष्य शामिल हुए आज पूजा आरती में? वो आए थे पूजा में, फिर सोने गए, अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ऊपर, तो मैं उन्हें नहीं ला सका आपके सामने, लेकिन वो पूजा करके ही गए। आप तो जानते हैं कि जब एक बच्चा आता है घर पे, पूरा घर का माहौल, पूरे घर का सिस्टम, रिचुअल, पूरा जो एक रूटीन है बदल जाता है, सब बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है, तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। और गणेश जी भी का जो हम सेलिब्रेशन करते हैं, वो भी हमने बेबी के टाइमिंग्स और बेबी के स्लीपिंग जहाँ जो नर्सरी है उनके मुताबिक ही किया है, क्योंकि हमने नर्सरी को ऊपर शिफ्ट किया, तो गणपति जी को अब यहाँ स्थापना कर दी गणपति जी की, और टाइमिंग्स भी हम उनकी स्लीप टाइमिंग्स के हिसाब से करते हैं, सो इट्स ऑल अबाउट द बेबी। कितने दिन के लिए रखा है आपने इस बार? एवरी ईयर वी कीप 5 डेज। कोई विशेष मनोकामना इस बार? हर साल की तरह हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आरती सिखाई आपने लक्ष्य को अभी तक कुछ ऐसा? नहीं, उसके लिए तो सब कुछ टॉय ही है, इस लाइक गेम ओनली, उसके लिए सब मतलब रौनक आती है और लोग आते हैं घर पे, तो उसके लिए मतलब एक पार्टी सा माहौल हो जाता है, वो खुश होता है, उसे अभी तक इसका मीनिंग पता नहीं है, बट उसे पता है कि ये गणेश जी की मूर्ति हमारे घर में है, हर मतलब साल भर एक दूसरी मूर्ति भी है, तो ही नोज हुम वी आर प्रेइंग टू, कि हम रोज प्रे करते हैं गणेश जी को, नॉट जस्ट ऑन गणेश चतुर्थी बट इवन अदरवाइज, तो उसे पता है कि यहाँ कोई पूजा टाइप की कुछ चीज़ हो रही है। आपकी फिल्म के बारे में पूछ सकते हैं कि अगर आप चाहें तो कुछ बता दीजिए? गोलमाल तो अभी खत्म हुई है, और मुझे एक सेट यूनिट वाले बोले थे कि आपने कोई प्रेडिक्शन की थी, आप उस टाइम इंडिया टीवी में थे, मैं अभी भी हुई हाँ। तो आपने कोई प्रेडिक्शन की थी गोलमाल 4 बनेगी और एक कुछ चेंज होगा गोलमाल 4 में, तो मुझे बता रहे थे यूनिट वाले लास्ट डे। तो काफी उत्सुकता रहेगी दिवाली पर फिल्म रिलीज हो रही है? जी हाँ, काफ़ी उत्सुकता तो होगी, 4th पार्ट है मतलब, और गोलमाल बहुत बड़ा फ्रेंचाइज है, और दिवाली का फ्रेंचाइज है, क्योंकि एक फैमिली फिल्म है, कॉमेडी है, और बच्चे खासकर पसंद करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि गोलमाल को हम दिवाली में ही लेकर आते हैं हर बार, और इस बार भी 2017 की दिवाली में लेकर आ रहे हैं, सो आई होप पीपल लव इट एज मच एज दे लव्ड ऑल द 3 पार्ट्स। करीना जी की जगह इस बार परिणीति ज्वाइन करें, लाइक करीना हैज बीन योर वेरी गुड फ्रेंड। जी जी जी, करीना तो मेरी फ्रेंड है, तो मैं उन्हें मिलता रहता हूँ वैसे भी, और इस गोलमाल में तब्बू है, परिणीति है, और दोनों के साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, एक अलग गोलमाल है, एक 2017 में जो लोग एक्सपेक्ट करेंगे गोलमाल से वो है, और उससे ज़्यादा बहुत कुछ है। थैंक यू।